हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डेली यूज इन्फॉर्मेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत खास होने वाला है, तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि अगर आपकी BOB की मोबाइल बैंकिंग है वो आपको डिसेबल करनी है या इनेबल करनी है तो कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी तरीका है। आपको आ जाना अपने नेट बैंकिंग में, बैंक ऑफ बड़ौदा में नेट बैंकिंग लॉगिन करके, उसके बाद आपको जाना है सर्विसेज में। सर्विसेज में जाने के बाद आपको जाना है मोबाइल बैंकिंग BOB वर्ल्ड में, ठीक है। हम इस पर क्लिक कर देंगे तो थोड़ा देर लॉगिन होने के बाद आपको यहां पे ये देखेगा, ये तीन तीन क्वेश्चन होंगे कि अगर आप उसे डिसेबल करना चाहते हो तो डी रजिस्टर पे कर देंगे, और आप उसे रीसेट करना चाहते हो, पासवर्ड भूल गए हो तो इस पे कर देंगे, और अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं है तो वो कर देंगे, इस पे कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, यहाँ आपका नाम आ जाएगा और कर देना कंटिन्यू है। कंटिन्यू करने वैसे मैं सपोज करो मैं उसे रीसेट पिन कर रहा हूँ अपना है, और यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी डाल दूंगा जो मेरा कस्टमर आईडी है, और मैं यहाँ कर दूंगा कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे मुझे क्या कहते हैं रिमार्क्स पूछेगा और ट्रांजैक्शन पासवर्ड पूछेगा, वो आपको यहाँ पे डाल के कंफर्म कर देना है। और क्या कहते हैं आपका जो जो ये मोबाइल बैंकिंग का पासवर्ड है, पिन है, वो रिसेट हो जाएगा। अगर आपको डी रजिस्टर करना है तो सेम ऐसे ही है, आपको फिर से पासवर्ड डाल देना, वो रिसेट हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इनके सबका कोई डाउट बनता है तो हम लोग को कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं एक और नए ऐसे टॉपिक पे, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।